नमस्कार दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में केकेआर की शानदार जीत के बाद बदल गया आईपीएल 2024 का पूरा पॉइंट टेबल। इस जीत के बाद केकेआर की टीम को हुआ पॉइंट टेबल में काफी बड़ा फायदा, तो क्या है पूरा पॉइंट टेबल बताएंगे दोस्तों आप सबको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आप सब विराट कोहली को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आईपीएल 2024 का 10वां महामुकाबला आरसीबी और केकेआर के बीच खेला गया, जहाँ केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की शुरुआत बेहद ही खराब रहा और महज 17 रनों के भीतर ही अपना पहला विकेट फॉफ डुप्लेसी के रूप में गंवा दिया। तो वहीं दूसरा विकेट भी बहुत ही जल्द कैमरून ग्रीन के रूप में सिर्फ 82 रनों पर ही गिर गया। लेकिन एक छोर पर विराट कोहली डटकर खेल रहे थे। इसके बाद आए ग्लेन मैक्सवेल ने भी 28 रनों की धमाकेदार पारी खेली और आउट हो गए। उसके बाद आया विराट कोहली का तूफान, जिसमें कोहली ने 83 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 गगनचुम्बी छक्के मारे, और इस तरह से आरसीबी ने अपने 20 ओवर में 182 रन बनाए। तो वहीं केकेआर की तरफ से हर्षित राणा और आंद्रे रसल ने 2-2 विकेट चटकाए, तो वहीं सुनील नरेन ने भी 1 विकेट चटकाए और 183 रनों का पीछा करने उतरी केकेआर की पारी बहुत ही शानदार और धमाकेदार रही। ओपनिंग करने उतरे फिलिप सोल्ट और सुनील नरेन ने सिर्फ 6.3 ओवरों में ही 83 रन जोड़ दिए, जिसमें फिलिप सोल्ट ने 30 रन बनाए सिर्फ 20 गेंदों में। तो वहीं 22 गेंदों में 47 रनों की ताबड़तोड़ पारी सुनील नरेन ने खेली, जिसमें 2 चौके जड़े तो वहीं 5 गगनचुम्बी छक्के लगाए। इसके बाद अय्यर ने भी 50 रनों की ताबड़तोड़ पारी सिर्फ 30 गेंदों में ही 3 चौके और 4 छक्के जड़े। तो वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर के 39 रनों की बदौलत केकेआर की टीम सिर्फ 16.5 ओवर में ही 186 रन बनाकर आरसीबी को 7 विकेट से हरा दिया, और इसके साथ ही पॉइंट टेबल में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। और आज के जीत के साथ केकेआर की टीम नंबर 2 पर पहुंच चुका है। तो चलिए पूरा पॉइंट टेबल जान लेते हैं। पहले नंबर पर सीएसके की टीम है, जिसने आईपीएल 2024 में अब तक 2 मैच खेले हैं और दोनों मैचों में जीत हासिल किया है, और इनके पॉइंट टेबल में कुल 4 अंक है और यह टीम पहले स्थान पर है। तो वहीं दूसरे नंबर पर केकेआर की टीम है, जिन्होंने अब तक 2 मैच खेला है और दोनों मैचों में ही जीत हासिल किया है, और इनके भी पॉइंट टेबल में 4 अंक है और ये भी दूसरे स्थान पर है। तो वहीं तीसरे नंबर पर राजस्थान की टीम है, जिन्होंने आईपीएल 2024 में अब तक 2 मैच खेला है और दोनों मैचों में ही जीत हासिल किया है और इनके भी पॉइंट टेबल में 4 अंक है। तो वहीं चौथे नंबर पर एसआरएच की टीम है, जिन्होंने अब तक आईपीएल 2024 में कुल 2 मैच खेला है, जिसमें 1 मैच में हार मिला है तो वहीं 1 मैच में जीत हासिल किया है, और यह चौथे स्थान पर है। तो वहीं पांचवे नंबर पर पंजाब की टीम है, जिन्होंने अब तक आईपीएल 2024 में 2 मैच खेला है और 1 मैच में हार मिली है, तो वहीं 1 मैच में जीता है और पॉइंट टेबल में इनके भी 2 अंक है और ये पांचवे स्थान पर है। तो वहीं छठे नंबर पर आरसीबी की टीम है, जिसने अब तक आईपीएल 2024 में 3 मैच खेला है और 1 मैच जीता है, तो वहीं 2 मैच हारे हैं और इनके पॉइंट टेबल में 2 अंक है और ये छठे स्थान पर है। तो वहीं सातवे नंबर पर जीटी की टीम है, जिसने आईपीएल 2024 में अब तक 2 मैच खेला है और 1 मैच में जीत हासिल हुई है, तो वहीं 1 मैच हारे हैं और इनके पॉइंट टेबल में 2 अंक है और ये सातवें स्थान पर है। तो वहीं आठवें नंबर पर दिल्ली की टीम है, जिसने आईपीएल 2024 में अब तक 2 मैच खेला है और दोनों मैच में हार मिली है और इनके पॉइंट टेबल में 0 अंक है और ये आठवें स्थान पर है। तो वहीं नौवे नंबर पर मुंबई की टीम है, जिसने आईपीएल 2024 में अब तक 2 मैच खेला है और दोनों मैचों में
हार का सामना करना पड़ा है और पॉइंट्स टेबल में इनके 0 अंक है और यह 9वें स्थान पर है, तो वहीं 10वें नंबर पर लखनऊ की टीम है जिसने आईपीएल 2024 में अब तक 1 मैच खेला है और उसमें हार का सामना करना पड़ा है और इनके पॉइंट्स टेबल में 0 अंक है और ये 10वें स्थान पर है। तो दोस्तों ऐसे ही आईपीएल 2024 की लेटेस्ट खबरों के लिए इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में।